कूलाम के नियम और विद्युत क्षेत्र जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका पार्ट थ्री बता रही हूँ। उस पार्ट थ्री में हम किसी आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर स्थित विद्युत बल निकालेंगे। इस टॉपिक का मतलब क्या है? आवेश वितरण मतलब हमने इसमें चार्ज को किसी कंटिन्यूस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो सरफेस आपका एक पतला तार भी हो सकता है, वो सरफेस आपका एक पृष्ठ भी हो सकता है, वो सरफेस एक आपका घन भी हो सकता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में अगर हम उस आवेश वितरण के कारण हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत बल का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं रैखिक आवेश वितरण। हमने माना हमारे पास एक पतला तार है जिसकी लंबाई L है और उस पर हमने चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इस तार से कुछ दूरी पर एक हमने धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, हम जो बिंदु P पर रखा है। इस बिंदु P पर मुझे बल का मान निकालना है कितना होगा। हमने माना कि इस जो हमारा जो तार है इसका एक छोटा सा ये अवयव है, इस अवयव की लंबाई हमने मान ली DL है और इस पर जो आवेश की मात्रा है वो DQ है। इस छोटे से अवयव की मूल बिंदु से दूरी हमने मान ली R1 है, इसका ये विस्थापन सदिश है। और जो P बिंदु है उसकी मूल बिंदु से विस्थापन जो दूरी है वो हमारी R2 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस छोटे से अवयव के लिए हमारा जो आवेश है वो DQ है और किस चार्ज पर हमें निकालना है, Q0 पर निकालना है। तो आवेश की मात्रा Q0 हो गई और DQ हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली क्या है, जो पोजिशन वैक्टर है वो हमारा R21 वैक्टर है। तो R21 वैक्टर बराबर हो जाएगा R2 - R1 वैक्टर। अब इसमें कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1.4πε₀Q1 × Q2। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q0 है और Q2 की वैल्यू DQ है। तो Q0 × DQ अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, R21। तो R21 का स्क्वायर, क्योंकि अब हम इस बल को, क्योंकि ये एक छोटे से अवयव के कारण है इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, DF। और इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो जो R21 कैप है वो इस बल की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद रेखीय घनत्व क्या होता है, ये तुम लोगों को मैंने भेजा है, रेखीय घनत्व की परिभाषा भेजी थी। उस परिभाषा के अनुसार जो रेखीय घनत्व होता है वो क्या होता है कि किसी तार की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व कहलाती है। अगर इसमें हम L का मान 1 कर दें तो λ = Q हो जाएगा, यानी कि एकांक लंबाई के तार पर जो भी आवेश होता है वो उसका रेखीय घनत्व होता है। तो परिभाषा से λ = क्या हो गया, Q/L। लेकिन यहाँ पर तो हमारा छोटा सा हमने एलिमेंट लिया है, तार तो बहुत बड़ा नहीं लिया है, उस पर आवेश कितना है हमारा DQ। तो यहाँ पर हम Q को किससे रिप्लेस करेंगे, DQ से, और L को किससे रिप्लेस करेंगे, DL से। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग λ = क्या हो जाएगा, DQ/DL। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो DQ = λ × DL हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस DQ का मान इक्वेशन नंबर 2 में, जो बल वाली इक्वेशन थी उसमें हम रख देंगे, और जब रख के आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.4πε₀Q₀λ DL/R21² R21 यूनिट वेक्टर। अच्छा बच्चों, ये DF हमारा क्या है, यहाँ पर एक छोटे से अवयव के कारण Q0 पर लगने वाला बल। और मुझे निकालना क्या है, इस पूरे तार के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल। तो हम पूरे तार के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करोगे तो DF का इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर F मिल गया, और जो Q0/4π₀ था इसको हमने बाहर निकाल लिया और अंदर हमारे पास ये रह जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये टोटल सरफेस L पर होगा। अब इसी प्रकार से बच्चों, जैसे कि हमने ये तार के लिए निकाला है, अगर तार की जगह आपके पास कोई सरफेस दिया हो और हमने इस सरफेस पर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस चार्ज के कारण जो R2 दूरी पर Q0 आवेश रखा है उस पर कितना बल लगेगा हमें उसका मान निकालना है। प्रोसीजर वही है, लेकिन इसमें जहां हमने पहले रेखीय घनत्व निकाला था, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी, सेम वही है कि सिग्मा बराबर होता है हमारा Q/A,
ये मैंने नीचे नोट में भी दिया हुआ है कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे उसका उस पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पर ए का मान 1 रख देंगे तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू के। तो यहीं से आपकी परिभाषा बनती है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हमने मान लिया कि हमारा जो पृष्ठ है इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया डी एस, जिसका एरिया डी एस है, और इस पर जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट है हमने मान लिया कि जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमारा डी क्यू है। तो जो फॉर्मूला हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा को डी क्यू से रिप्लेस कर देंगे और ए को डी एस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ये हमने क्यू बनाया एक छोटे से एलिमेंट के लिए। अब इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर लगने वाला बल सेम वही पहले वाला प्रोसीजर, फॉर्मूला लगाएंगे कूलाम्स लॉ का। तो डी एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। क्यू वन किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, और क्यू टू किसके बराबर है, क्यू जीरो के। तो क्यू जीरो इंटू डी क्यू, फिर से इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमारी क्या है, आर टू वन इसका स्क्वायर। और क्योंकि इसको हमें वैक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हम इस यूनिट वैक्टर को भी लिख देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन से हमने यहाँ पर डी क्यू का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में रख दिया। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू में रखोगे तो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर टू वन का स्क्वायर, आर टू वन यूनिट वैक्टर। अब डी एफ फिर से वही चीज़ आ गई, डी एफ हमारा यहाँ पर क्या है, एक छोटे से एलिमेंट डी एस के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल, लेकिन मुझे पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है। तो फिर से हम इस छोटे से एलिमेंट का क्या करेंगे, इंट्रीगेशन करेंगे। जब आप दोनों तरफ इंट्रीगेशन करोगे तो ये जो वैल्यू है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसमें आपका क्यू जीरो भी कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, वो भी कॉन्स्टेंट है। तो इस वैल्यू पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट होने के कारण हम इस पूरी वैल्यू को इंट्रीगेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, सिग्मा आर टू वन कैप डी एस अपॉन आर टू वन का स्क्वायर, क्योंकि इंट्रीगेशन आप यहाँ क्या करोगे पूरे सरफेस पर करोगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से हम आयतन आवेश वितरण को भी निकालेंगे। इसमें हम क्या लिखते हैं, एक बॉडी जो 3D बॉडी थी होती है वो लेते हैं, या तो कोई गोला ले लिया या कोई घन ले लिया, तो इस गोले या घन के कारण इस बिंदु P पर जो आवेश रखा है क्यू जीरो, उस पर लगने वाले बल का मान हमें निकालना है। फिर से हम यही करेंगे, यहाँ पर एक छोटा ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका आयतन हमने मान लिया डी वी है, और इस पर जो आवेश वितरित हो रहा है सरफेस पर वो हमने क्या मान लिया, डी क्यू। तो यहाँ पर आयतन घनत्व निकालोगे, फिर से आयतन घनत्व वही होगा कि एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन घनत्व। तो यहाँ पर हम आयतन घनत्व, क्योंकि हम छोटा सा एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो क्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, डी क्यू से, और वी को किससे रिप्लेस करेंगे, डी वी से, डी वी से। तो यहाँ से हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे, डी क्यू बराबर पी इंटू डी वी। फिर से हम वही कूलाम का नियम लगाएंगे कि डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर टू वन का स्क्वायर, आर टू वन कैप। यहाँ फिर से आप क्या करोगे, यहाँ फिर से डी क्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन से रख कर पहले की तरह फिर से जब पूरा सॉल्व करोगे क्यू करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रो डी वी अपॉन आर टू वन का स्क्वायर, आर टू वन यूनिट वैक्टर। ये हमारा रो है। अब फिर से वही चीज़ यहाँ पर पूरे क्योंकि आपको पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो आपको इंट्रीगेशन करना पड़ेगा। तो इंट्रीगेशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंट्रीगेशन करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकालेंगे। तो अंदर हमारे पास इंट्रीगेशन के अंदर इंट्रीगेशन किस वैल्यू का निकालोगे, आप निकालोगे यहाँ पर रो आर टू वन का कैप अपॉन आर टू वन का स्क्वायर इंटू डी वी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आयतन आवेश वितरण। इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आ